बिस्तर पर 2 साल बाद सभी ने जमात में खड़े होकर एक साथ ईद की नमाज अदा की। इसे लेकर अकीदतमंदों में खासा उत्साह दिखा। इस मौके पर हल्द्वानी में भी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ने को अकीदतमंद जुटे रहे। हल्द्वानी लाइन नंबर 1 स्थित ईदगाह में अल्लाह की इबादत को हजारों अकीदतमंद जुटे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखी। इसके बाद ईद की मुबारकबाद और दावतों का दौर शुरू हुआ। हल्द्वानी में पूर्व राज्य मंत्री और हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के आवास पर सर्वधर्म संभाव का नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि ईद का त्यौहार पूरे शहर में अमन चैन के साथ मनाया जा रहा है। इधर नमाज अदा करने के बाद घरों में सेवई, दही बड़े, छोले, खीर, दही पकौड़ी समेत तमाम लजीज पकवानों से एक दूसरे की दावत की गई। गली नंबर 17 आजाद नगर क्षेत्र में बच्चों ने झूले पर जमकर मस्ती की। इस दौरान ईद की खुशी साफ देखने को मिली। अकीदतमंदों ने बताया कि माह रमजान के 30 रोजे पूरे होने पर चांद के दीदार के बाद आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। बरकतों का माह रमजान भले ही विदा हो गया हो, लेकिन ईद उल फितर को लेकर खुशियां बेहिसाब हैं। ईद पर शहर और देश का सामाजिक सौहार्द बना रहे, यही दुआ है। शहर के लाइन नंबर 1 से 8 नंबर और इंदिरा नगर और बनभूलपुरा की बाजारों में ईद की खुशियों में बच्चों समेत बड़ों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों के संयुक्त ड्यूटियाँ लगाई हुई, बनभूलपुरा की और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियाँ अपने पॉइंट पर पहुँच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। और पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज अब की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी वो सभी जगह लगी हुई है, सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अखसुल खवास अमन शांति और प्यार महब्बत, भाईचारा, उखुवत और हमदर्दी बनी रहे और उखुवत और हमदर्दी के साथ, भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल महब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएं। ईद का एक ऐसा त्यौहार है जो सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों में माना जाता है और 30 रोज़ों के बाद जो ईद मनाई जाती है उसका अपना अलग एक महत्व है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सभी धर्मों के लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, मिलते हैं और इनके त्यौहारों में हम लोग भी जाते हैं। तो हमारा तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपसी भाईचारा लोगों का बना रहना चाहिए। जो एक कहावत है यहाँ के लिए कि आपसी भाईचारे का जो गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए। और हमारी यही दुआ भी है, आज मस्जिदों में भी यही दुआ हुई है कि आपसी भाईचारा बना रहे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की दुख तकलीफ में और खुशी में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। यही हम लोगों की दुआ भी और कोशिश भी यही है। मिठास का हमने बताया आपको कि हर व्यक्ति, यहाँ का हल्द्वानी एक ऐसी जगह है उत्तराखंड के अंदर, हर आदमी ये चाहता है कि आपसी भाईचारा हमारा बढ़े, आपस में मिलजुल कर सब लोग रहें और यही हमारे सब लोगों की कोशिश भी है। और वही यही वजह है कि कुछ असामाजिक तत्व सब जगह होते हैं, वो कई बार लोगों ने कोशिशें की हैं लेकिन यहाँ के समझदार लोगों ने, सूझबूझ वाले लोग हैं, सब लोगों ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया है और हमेशा यहाँ से बवाल को टालने की कोशिश की है। और हमें यही उम्मीद है कि हल्द्वानी जब तक है, जो कहना चाहिए कयामत तक, यहाँ हमारी सोच यही है कि किसी तरह का कोई दंगा नहीं होगा, कोई भाईचारा ख़राब नहीं होगा, जो भाईचारा आपस में लोगों का है वो हमेशा बना रहेगा। देखिए, जो देश में हालात चल रहे थे पहले कोविड के समय, 2 बार कोविड का भयंकर पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाली बीमारी देश को हिला के रख दिया, उसमें कोई त्यौहार चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब कुछ त्यौहार एक तरफ हो गए थे, इबादत तक बंद हो गई थी। और आज पहली बार अभी होली का त्यौहार निकला था,
वो भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिलजुल करके बनाया। आज ईद का त्यौहार है, इस बीमारी से हम मुक्त होकर के देश को हमने बहुत बड़े उससे निकाला है, परेशानी से। आज देश में ईद का त्यौहार मना रहे हैं सारे लोग मिलजुल करके, और एक अच्छा वो लग रहा है कि 2-3 साल के बाद पहली बार त्यौहार का मज़ा लगा और लोगों ने इसका आनंद लिया। मैं सारे देशवासियों को इसकी बधाई देता हूँ और प्रदेशवासियों को भी, और इसमें मैं एक अपना निवेदन भी करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सुरक्षित रहें और कोविड से जिस तरीके से हम निकले हैं और आज देश हम देश तरक्की करें, जो देश हमारा पीछे हो गया है 3 साल, त्यौहार तो पीछे हुए हुए, देश भी पीछे हो गया, उस देश को हमें आगे करना है। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस बीमारी से मुक्ति मिले और किसी तरीके की कोई हमारे देश में ऐसी आफत ना आए, सब सुरक्षित रहें और त्यौहार मनाएं।